समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शरद पवार ने गुरुवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समान नागरिक संहिता के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही हमारी पार्टी का रुख तय किया जाएगा। शरद पवार ने कहा, समान नागरिक संहिता पर सिख समाज में आम नागरिक कानून का समर्थन नहीं है। इस समाज में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समान नागरिक संहिता के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद हमारी पार्टी का रुख तय किया जाएगा। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा, मुझे केवल एक ही संदेह है, देश की मौजूदा तस्वीर और लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर नाराजगी देखने के बाद मुझे लगता है कि ये लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की नाराजगी और बेचैनी पीएम तक पहुंच गई है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शरद पवार ने गुरुवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समान नागरिक संहिता के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही हमारी पार्टी का रुख तय किया जाएगा। शरद पवार ने कहा, समान नागरिक संहिता पर सिख समाज में आम नागरिक कानून का समर्थन नहीं है। इस समाज में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समान नागरिक संहिता के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद हमारी पार्टी का रुख तय किया जाएगा। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा, मुझे केवल एक ही संदेह है, देश की मौजूदा तस्वीर और लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर नाराजगी देखने के बाद मुझे लगता है कि ये लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की नाराजगी और बेचैनी पीएम तक पहुंच गई है।